गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा हम चैप्टर एट कर रहे थे। चैप्टर एट क्या है बच्चों? हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो उसमें मैंने आपको 8.4 तक सिखा दिया कि किस तरीके से 8.4 तक के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, आज ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, तो इसको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है, और अपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन दिया है, इसमें जो सारे नंबर्स हैं वो डेसिमल में हैं, ठीक है, और इसमें हम पहले देखेंगे कर्ली ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है और बाकी सारे रूल हैं। ठीक है, तो हम बच्चों पहले क्या सॉल्व करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट ऐसे ही बना रहेगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट 5.3, ये क्या है? ऐड, और ये क्या है? सब्ट्रैक्ट। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से जो सबसे पहले लिखा होगा उसको ही सॉल्व करेंगे। 5.3 प्लस 1.2 क्या आएगा आंसर? 6.5। ओके, आप साइड से लाइन ड्रॉ करके वहाँ पर रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, 6.5 माइनस 3.5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड 1.5 कर्ली ब्रैकेट डिवाइड 0.2 माइनस 5.35 प्लस 2.1 डिवाइडेड बाय 0.7। ठीक है, आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट ऐसे ही लिखा रहेगा, अब हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो 6.5 माइनस 3.5 क्या आएगा आंसर बच्चों? 3। क्या आएगा? 3। तो इसका मतलब हमारा एक कर्ली ब्रैकेट ये खुल गया। ओके, कर्ली ब्रैकेट 3 डिवाइडेड 1.5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड 0.2 माइनस 5.35 प्लस 2.1 डिवाइडेड बाय 0.7। जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाएंगे हम बाकी को सॉल्व नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आपने देखा स्मॉल ब्रैकेट आपका सॉल्व हो चुका है, सो वी विल सॉल्व कर्ली ब्रैकेट। तो 3 को 3 डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है, तो 3 को हमें 1.5 से डिवाइड करना है। ओके, तो 3 डिवाइडेड बाय 1.5। ओके, पॉइंट उठाया हमने, ऊपर 10 आ जाए, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1, इसलिए ऊपर क्या आ जाएगा? 10। और कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड 0.2 माइनस 5.35 प्लस 2.1 डिवाइडेड बाय 0.7। ओके, आगे देखिए बच्चों, आगे कैसे करेंगे इसको? कर्ली ब्रैकेट। ओके, अब ये दोनों 3 से डिविजिबल है ना, 3 से कट हो जाएंगे, 3 1 3, 3 5 15। ओके, और 5 से ये 10 डिवाइड कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? 2। मीन्स हमारा कर्ली ब्रैकेट खुल गया, 2 डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस 5.35 प्लस 2.1 डिवाइडेड बाय 0.7। ओके, आगे देखिए बच्चों, अब 2 से हम किस 2 को हम 0.2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 अपॉन 0.2 माइनस 5.35, ये ना अब डिवाइड आया है और आपका यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी आया है और यहाँ पर फिर ये डिवाइड भी आया, तो हम पहले दोनों डिवाइड को सॉल्व करेंगे, प्लस 2.1 डिवाइडेड 0.7। ओके, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट, इसलिए ऊपर 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 का मल्टीप्लाई। ओके, आ रहा है समझ में कैसे कर रही हूँ मैं? फिर यहाँ क्या रह गया? ओनली 2 रह गया, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या रह गया? ओनली 10। 10 माइनस 5.35 प्लस इस 10 से ये 10 कैंसिल, ऐसे आपने सीखे हैं ना डेसिमल वाले चैप्टर में कैसे सॉल्व करेंगे, और 7 3 21, तो 3 आ गया।
अब बच्चों क्या रह गया, एड सब्ट्रैक्शन रह गया और एडिशन रह गया, मतलब दोनों ही दोस्त रह गए। अब आपके दोनों दोस्त रह गए, अब आप दोनों दोस्त में से किसको पहले बुलाएंगे? कोई फिक्स्ड नहीं है, जो पहले लिखा है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे और जो बाद में लिखा है उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब 10 माइनस 5.35 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 4.65 प्लस 3। अब 4.65 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 7.65। क्या आएगा आंसर, 7.65। आई बात समझ में, इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। आप देखिए मैं कोई भी स्टेप स्किप नहीं करती हूँ कि मैं डायरेक्ट आंसर लिखूँ, नहीं, मैं सारे स्टेप्स को इसलिए ही कर कर दिखाती हूँ कि आप भी उसको इसी स्टेप वाइज सीखें, तो आपको स्टेप वाइज ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके। क्या आ गया इसका आंसर, 7.65। ऐसे हम इसके नीचे 2 अंडरलाइन कर लेंगे इसको हाईलाइट करने के लिए, ओके। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है, सेम वही तरीका है कि आपको बस करने का तरीका आना चाहिए कि हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें बिग ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है, तो हम सबसे पहले कौन से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। तो बिग ब्रैकेट 7.12 माइनस कर्ली ब्रैकेट, अब स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, 0.35 प्लस 4.25, तो आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4.6। 4.6 मींस हमारा स्मॉल ब्रैकेट हट गया, 4.6 मल्टीप्लाई 1.2 ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, अब 6.05 माइनस 2.85। जब आप 6.05 माइनस 2.85 करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 3.2। मेरे साथ साथ आप पढ़ ली करिए इसको, 3.2 डिवाइडेड 0.4, ओके। मतलब अब स्मॉल ब्रैकेट हमारा हट गया ना। अब देखिए बिग ब्रैकेट 7.12 माइनस 4.6 का मल्टीप्लाई हम 1.2 में करेंगे, 4.6 का मल्टीप्लाई हम 1.2 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5.52। क्या आएगा आंसर, 5.52। बिग ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड, अब 3.2 को डिवाइड किया हमने किससे, 0.4 से, जैसे 3.2 डिवाइडेड ऐसे कर लेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 0.4, ओके। पॉइंट हटाया ऊपर 10, पॉइंट हटाया नीचे 10, कैंसिल 10 कैंसिल, एंड 4 8 जा 32। क्या आया, 4 8 जा 32। अब हम इस ये वाला बिग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 7.2 माइनस 5.52, तो 7.12 माइनस 5.52, ठीक है। देखिए 7.12 5.52 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा आंसर देखिए बच्चों, 0। यहाँ से कैरी ली 11 माइनस 5 6, यहाँ 6 रह गया, 6 माइनस 5 1, तो क्या आया 1.60। तो 1.60 को हम 1.6 ले देंगे, 1.6 डिवाइडेड बाई, हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करा था, इस कैपिटल वाले ब्रैकेट को, कितना आया था बिग ब्रैकेट सॉल्व करके, 8। क्या आया था, 8। अब 1.6 डिवाइडेड बाई 8, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, क्वेश्चन कितना बड़ा है और देखिए सॉल्यूशन कितना इजी है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बस आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, वरना आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 1.6 डिवाइडेड बाई 8, अब 1.6 डिवाइडेड बाई 8, पॉइंट हटाया नीचे क्या लगाएंगे हम मल्टीप्लाई में, 10 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 का डिवाइड होगा, अब क्या रह गया यहाँ पर, 16 upon 8 into 10। ऐसे तो आपने डिवाइड डेसिमल चैप्टर में सीखे है ना कि कैसे सॉल्व करेंगे इन्हें हम, तो 8 2 जा 16, क्या आया 8 2 जा 16, तो क्या रह गया 2 upon 10। क्या रह गया बच्चों, 2 upon 10। अब 2 upon 10 रह गया तो कैसे सॉल्व करोगे 2 upon 10 को, नीचे कितनी जीरो है, 1 0, तो ऊपर एक डिजिट पहले पॉइंट लग जाए, तो क्या आ जाएगा,
0.2, क्या आ जाएगा 0.2, क्या आंसर आ जाएगा 0.2। आई बात समझ में? तो आपने देखा कितना बड़ा क्वेश्चन था और इजीली वो कितने से सॉल्व हो गया, मतलब इजीली सॉल्व हो गया ना। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, आज आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज 8.5 बहुत ध्यान से करनी है। थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, तो आप कैलकुलेशन ध्यान से कीजिएगा, ज़्यादा बड़े बड़ी कैलकुलेशन नहीं है लेकिन है, बट उसको आप बहुत ध्यान से कैलकुलेशंस को कीजिएगा। और इतना बात ध्यान रखिएगा, स्टेप वाइज अगर आपके क्वेश्चन नहीं होंगे तो मैं फिर अच्छे से चेक नहीं करूँगी उन्हें। आपके सारे क्वेश्चन स्टेप वाइज होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप हम ये सॉल्व करेंगे, सेकंड हम ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, तो सारे स्टेप्स आपके क्लियरली समझ में आने चाहिए। ओके, तो आज आपको होमवर्क में क्या करनी है, एक्सरसाइज 8.5। ओके, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू एक्सरसाइज 8.5 ऑल क्वेश्चंस। ओके, बाय बाय बच्चों।